में कलयुग की मां ने ममता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कूड़े में ढेर कर एक करीबी मां अपनी नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। मथुरा की राया में एक मां ने अपनी बच्ची को 9 महीने तक पेट में रखा और फिर उसी बच्ची को जन्म लेने के बाद कचरे में फेंक दिया। जी हां, राया बलदेव रोड पर एक ऐसी घटना देखने को मिली जहां सुबह एक धर्मशाला के पास महंत को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। महंत ने जब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई थी। धर्मशाला के महंत ने बच्ची को अपने घर ले जाकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची को अपने कब्जे में लेकर डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा और आगे की जांच में जुट गई। आखिर मां की ममता को कलंकित करने वाली ऐसी कौन सी मां है जो अपने बच्चे को न अपना सकी और कूड़े के ढेर में फेंक कर फरार हो गई। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी आचार्य पंडित अमित कुमार बटुक। अच्छा अमित जी, बताइए कि यहाँ एक नवजाता शिशु बच्ची मिली थी, क्या है? एक्चुअल में था क्या कि हम सुबह जो है आश्रम के बाहर गए थे तो दो तीन महिलाएं खड़ी हुई थी आश्रम के बाहर, तो उनके गोद में देखा तो एक छोटी सी बच्ची उनके गोद में लगी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि एक रोती बच्ची को सुना हमने तो गोद में लगी हुई थी। हम लोग बाहर गए, हमारी पत्नी भी साथ में थी और बच्चे भी वगैरह साथ में थे, तो उस बच्चे को गोद में लेकर के हम डॉक्टर गणपत सिंह हॉस्पिटल में गए। उसका नाल कटवाया, इंजेक्शन वगैरह दवाई जो प्राथमिक उपचार होता है वो कराया, फिर उस बच्ची को लेकर हम आश्रम पे आ गए। तो बच्ची जिंदी थी? हाँ, बच्चा तो जीवित था। तो अब बच्चा वो कहाँ है? अब बच्चा मेरे पास आश्रम में है और स्वस्थ है। क्या पुलिस वगैरह किसी को सूचना दी आपने? हाँ, बस अब एक आध घंटा ही हुआ है, उसके बाद अब देखो एक आध बार दूध पिला वगैरह करके तो फिर उसे करते हैं जो भी कार्रवाई होगी। मथुरा में राष्ट्रीय